सर्वप्रथम शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में करवाए हुए इस प्रोग्राम में पहुंचे सभी देशभक्तों को हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्कार। आज देश में कई जगह हमने आते वक्त देखा, तीन चार जगह तो वहां भी ये प्रोग्राम थे शहीदों की याद में। बार बार धन्यवाद करते हैं इस नगरी का और कमेटी का जो ये प्रोग्राम करवाया है। बहुत अच्छे गाने वाले साथी भाई सुरेंद्र शर्मा गगनाऊ और बिल्लू शर्मा उत्तर प्रदेश से बहुत बढ़िया सुनाया है, जैसा भी गाना बजाना है आपके समक्ष। एक भजन उन शहीदों के नाम से गजब होगा कि शहीद भगत सिंह के बारे में कवि ने क्या लिखा है, क्या उनकी जीवनी थी, कैसा उनका रहस्य और जीवन था, क्या उसकी मंजिल उसके बारे में दर्शाया है। अगर देखते अच्छी लगे तो तालियां जरूर बताओ, क्या था क्या। Thank you.
सन 1907 जन्म है 27 सितंबर था। तन तन हेमा विद्यावती जिन जन्म्या शेर पर था। सब कुण देख के मर के जेल में क्रांतिकारी खड़े था। आजादी के आंदोलन का चारू ओर चक्र सारे प्रोग्राम में रतन कौशल जी सुई हरियाणा से 500 रुपए की मान सम्मान कर दे। मेरे लिए आदमी एक और श्रोता ने 100 रुपए का आशीर्वाद दिया है। बार बार नमस्कार है, धन्यवाद है। ये रागनी को फुरका नहीं। सन 1907 जन्म 27 सितंबर था। धन धन है माँ विद्यावती जी ने जन्म शेर बबर था। सब कुर्बे के मर जेल में क्रांतिकारी घर था। आजादी के आंदोलन का चारू ओर जकर था। माँ आजादी कद आवेगी जो प्रसन्न था सुबह शाम तरा। शहीदों के माँ शहीद आदम लिखा भगत नाम तरा। दूसरे नंबर पर पढ़ा क्या 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 पढ़ा भाई कपूर मान
और सुर पे सिवान सिवान करते हैं बार बार, धन्यवाद है धन्यवाद। लाख नारे चाल पड़े, रंग दे बसंती गाना सुन के
सबके हो गए रूम खड़े, हंस के फंदा चूम झूल गए धरती अम्बरायन भरी। सुखबीर सिंह नहाते फलते हो गैल पड़म्भा गांव चरा, शहीदों के मां शहीद आजम लिखा भगत सिंह नाम। एक शहीदों के नाम से श्रद्धांजलि थी। दो बातों का नंबर है हमारी, ये दो बात जिस समय राजा उत्तानपाद की दूसरी शादी के लिए पुरानी सुनीति हां करवा ली थी, जब हां हुई तो दूसरी शादी के लिए राजा उत्तानपाद सरेतगढ़ में चले जाते हैं और वो फेरे का टेम होया। पंडित जी ने कहा कि बेटी खड़ी होकर दादा न्यू नहीं क्यों, पहले राजा उत्तानपाद चार वचन भरे तो फेरे न्यू ना था। राजा उत्तानपाद यहां पर घरे हुए थे, चार वचन भर लिए, तीन वचन सुनीति ने वहीं पर मांग लिए कि चौथा बेटी के दादा मन में आओगा जब जूंगी। आप यहां पर जोड़े चल पड़ते हैं, जब अवधपुरी में जोड़ा आया वह सुरुचि कहारों से कहला कि कहारों जोड़े निकाल दो। राजा उत्तानपाद को बुलाया जाता है, डरता डरता आके बुलाया हूं कि हाँ बुलाया क्योंकि मैं काम है। तो रानी सुरुचि क्या कहती है, क्या Thank you.
रविंद्रनाथ मान बीपी साहब छेवड़ी से सुसुम से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। राजेश दिल्ली पुलिस से भाई 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। रमेश दिल्ली पुलिस से 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई कपूर मान 200 रुपये से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। जल्दी सोलंकी जी 100 रुपये पहले 100 रुपये से और मान सम्मान करते हैं। विकास सर्विस स्टेशन 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। 2 नंबर पर इंस्पेक्टर साहब एसएचओ आजादपुर
100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। एक और श्रोता साथी ने 100 रुपए से मान सम्मान किया है बार बार, बलजीत खत्री जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार, धन्यवाद है। कैसा काम कर दूंगा तो फिर क्या होगा कि फिर जरूर जीता का बेरा लग जाएगा खुशिया का, क्या कहा। महंगे राम गुरु लक्ष्मी जन कट्ठे कीते आवेंगे, चौरंग में लाम कया करे थी वे छठे कीते आवेंगे, जो पहले ताप ला करती वे सठे कीते आवेंगे, और जो एक दिन खा रखे वो छठे कीते आवेंगे। ये थोड़ा बाणा बांस हाथ में बाहर शहर तक कर डेरा, चौथा वचन ही लेना से देख कर कुटुम खड़ा हराया उत्तान पाते निकाल करते रही सा काम करवाओगी। मैं सोचूं था जन सोने आगे सनेत वर्त जोड़े आगे हर उम्र पुरानी जोड़े आगे मेरी जात बता दे। सरुचि कहती कर तो यू काम कर दे तू, नहीं तो मैं दूसरा कर दूंगी। के करेगी फिर कई महारानी ने सर पर धर ले, मैं अपने घर डगर जाऊंगी, सारा शहर खड़ा देखकर मैं फांसी खाकर मर जाए। यहाँ पर फिर खेल जाता है, क्या कहता है राजा उत्तान पात कहानी सुनी थी से मतलब लग रहा बात। Cut.
जन्म दे दिया किस्मत सोनी ने पंचा कहवा तेरे दे दिए चाकर कौड़ी दे तामर में शकारी बचा हो गया गोली ने कर धन्यवाद है।
प्रधान जी सौ रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। अब यहां अराया उत्तान पात्र ने रानी सुनीति को दुबह की महल दे दी। काफी अरसा बीत जाता है, वह सुरुचि राजा उत्तान पात्र पर करी पड़न लागी को मुड़ भी ना जानते। एक तो राजा उत्तान पात्र ने इजाजत मांग ली कि मैं प्रखंड का ना घूम जाऊं क्या घूमता राउंड तक फल जा आज है तू अजमेर कन चलिया राज फिर आना पड़ने की ना तू राजा उसका मंत्री घूमने के लिए गए हुए थे। कुछ ऐसा तूफान सा आया एक दूसरे से अलग हो जाते और इतना अंधेरा हो गया उन संतरिया ने राजा उत्तान पात को महल में नहीं घुसने दिया। राजा उत्तान पात के रानी सुनीति की याद आई और उससे पहले नारद जी दुभाग महल में जा पहुंचे। सुनीति कह लगी भूडे थोबड़ाले कई साल पहले तू महलों में आ था तने यूं कही थी अपने पति की दूसरी शादी करवा दे फिर तेरे भी लड़का होगा और उसके भी होगा। आज आई तेरे दिन पथहरी तय करवा के मान लगा कि बेटी समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय आ गई आज रात ने आवेगा राजा उत्तान पात तेरे पास में। तो नारद जी यहाँ पर फिर भविष्यवाणी करते हैं क्या कहते हैं क्या Oh,
चाय आगे पर पूरे करिए जरा बहुत सुन करते हैं बोलू राणा जी 200 रुपए से मान सम्मान कर बार बार करे क्या कहा स्वर्ग पुरी में स्वर्ग
चमन में बात बेचारे जी सामी साल के तने मिले जय फसल करने की तारे तेरी सौ करे बेटी बे कुर्ती में ठोकर मारे जी मन में बात बिचारे जी सामूहिक सावी के तले मिले जय भजन करण की धारे जी तेरी शौक तेरे पेट देकर गोटी में ठोकर मारे जी आवे रोंता पास तेरे तू हाथ फेर पुकारे जी अवत कुनी में शोर मात जाओ चल जा घर बार तेरा माफी मांगे तो पड़ खेल लड़ के तावे दार तेरा के राज उत्तम की बात नहीं रहेगा रात फ्रिस्ट हो जाएगा फिर तो हुआ करेगा तो कभी करना है और जब तक सरची रहेगी तेरा नाम धरु के साथ में लिया जागा क्या कहा Oh,